दोस्तों, एप्पल वॉच ने न जाने कितने ही लोगों की जान अब तक बचा दी है। बेशक से एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आईफोन किश्तों पे लेने की बजाय अगर ये एप्पल वॉच किश्तों पे ले ली जाए तो वो एक बेटर डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको तो लेनी ही चाहिए। दरअसल बिजनेस ट्रिप पर गई हुई एक महिला जो कि एक होटल के अंदर रुकी हुई थी, उनको हल्का सा चेस्ट पेन होने लगा और उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि चलो अपने फ्रेंड को मैसेज कर देती हूँ कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। तो वो अपने उसी होटल में रुके हुए दोस्त को मैसेज करती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। हालांकि मैसेज पहुंच जाता है और अगले ही पल वो जब होश में आती है तो वो होती है एक इमरजेंसी वार्ड के अंदर, जहां पर उनकी जान बचा दी गई होती है। क्योंकि उनके हार्ट के अंदर जो आयोटा होता है, जो कि मेन आर्टरी होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है हमारे पूरे शरीर के अंदर, वो रप्चर हो गई थी, वो फट गई थी, जिसके बाद में रिपेयर करने के बाद में इनकी जान बचा ली जाती है। सो सही टाइम पर इनको हॉस्पिटल ले जाने की वजह से इनकी जान बच जाती है, जिसके बाद में अपने दोस्त का थैंक्स भी करती है कि तुमने मेरी जान बचा ली सही टाइम पर 911 पे कॉल करने के बाद में। तो दोस्त कहता है, नहीं मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरे साथ में ऐसा हुआ है, ये तो इमरजेंसी की टीम खुद ही यहाँ पर आई थी, जिन्होंने तुमको उठाया और लेके गए, तब मालूम चला कि तुम हॉस्पिटल के अंदर हो। तो यहाँ पर मालूम चलता है कि एप्पल वॉच का जो कॉल डिटेक्शन फीचर था उसने ऑटोमेटिकली ही 911 पे कॉल कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी जान बचाई जा सकी। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ हफ्तों से एआई जनरेटेड चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, हर जगह एआई को घुसेड़ा जा रहा है। यहीं पर लंदन बेस्ड प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने एआई जनरेटेड बियर कमर्शियल तैयार करी है, जो कि कुछ इस तरीके की 30 सेकंड की फिल्म है, जिसका नाम रखा गया है सिंथेटिक समर। हालांकि पूरी की पूरी ये एआई जनरेटेड है, इसमें कोई भी रियल ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ एआई जनरेटेड है, सब कैरेक्टर उसने खुद से ही ढूंढ के तैयार किए, मतलब अपनी इमेजिनेशन से बनाए, कोई भी रियल कैरेक्टर नहीं, मे बी किसी की शक्ल किसी से मिलती जुलती हो जाए। लेकिन यहां पर बात आई कि क्या एथिक्स है इस एड कमर्शियल की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सेफ्टी है। इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि लोग वहां पार्टी कर रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है, आग लग रही है उसके अंदर, और आग से टोर्नेडो फैल गया, पूरी सिटी जल गई, हर जगह आग ही आग है, लोग बाग जलते हुए भी दिख रहे हैं इस कमर्शियल के अंदर। तो एआई जनरेटेड वीडियोज या फिर एआई को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि इसके कुछ एथिक्स नहीं है, ये उसमें इंसानों को जलता हुआ भी दिखा सकता है, इसके लिए क्या है, वो कमर्शियल है और बस इंजॉय करता हुआ दिखाना है। बट अगर रियलिटी को देखा जाए तो वहां पर इतनी ज्यादा आग में कोई भी कैसे इंजॉय कर पाएगा। ठीक है, समझ गया। हाँ, बर्फ गिर रही हो तो बात अलग है, समझ गया, लेकिन आग में नो वे। ठीक है दोस्तों, यूके के रहने वाले इब्राहिम जो कि अपने भाई के साथ में फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक से ही वो गिर जाते हैं और अगले दिन इनको काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है इनकी लेग के अंदर, मतलब इतना एक्सट्रीम पेन होता है कि इनसे ढंग से चला भी नहीं जाता, जिसके बाद में बताया जाता है कि भैया तुमको बोन इन्फेक्शन हो रखा है। तो कई महीनों हफ्तों तक हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं कि भैया इनसे इलाज नहीं हो रहा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन बाद में बताया जाता है किसी और हॉस्पिटल के अंदर कि तुमको बोन कैंसर हो रखा है और ये एक्सट्रीम तेजी के साथ में फैल रहा है, इसको रोकने के लिए आपकी लेग्स को काटना पड़ेगा और उसके बाद में रीअटैच करना पड़ेगा, मतलब जिस पार्ट में हो रखा है ना कैंसर उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए वो प्रोसीजर किया जाता है। हालांकि किसी की भी चाहत नहीं होती कि मतलब ऐसा हो उसके साथ में। तो होता क्या है कि इनका पाँव बैकवर्ड जोड़ दिया जाता है कुछ इस तरीके से। आप कहोगे यार ये तो डॉक्टर की कितनी लापरवाही है, उसने कैसे मतलब कहाँ ध्यान था उसका ऐसा कि उसने उल्टा जोड़ दिया पाँव, किसी भी इंसान के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन नहीं, ये इनकी भलाई के लिए ही किया गया था, क्योंकि वो कैंसर शायद दोबारा से वापस आ सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम करते हैं आपके साथ में रोटेशन प्लास्टी, हम आपकी लेग को उल्टा जोड़ेंगे लेकिन वो हिस्सा निकाल देंगे जिसमें ऑलरेडी फैल रखा है, तो इससे शायद फ़र्क पड़ सकता है। ये एक यूनिक प्रोसीजर होता है जिसको अप्लाई किया गया और इसके बाद में रिजल्ट कुछ इस तरीके के मिले कि मतलब लेग उल्टी जुड़ी, जिसके बाद में थोड़ी बहुत रिहैबिलिटेशन भी हुआ, जिससे कि मतलब थोड़ा सा ये चलना बिलना सीख भी जाए। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद में आज ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखने वालों को अभी भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने गलत तरीके से सर्जरी कर दी, उसे तो फायर कर देना चाहिए, उसका तो लाइसेंस ले लेना चाहिए, तो इस तरीके की बातें होती हैं। दोस्तों, टाटा के हैदराबाद कैंपस के अंदर कोई कॉल आई कि यहाँ पर बॉम्ब रखा गया है, जिसके बाद में तुरंत ही उन सभी लोगों को एवैक्यूएट करवाया गया जो कि उस कैंपस के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर
बॉम्ब स्क्वाड यूनिट को बुलाया गया उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। वहां पर चप्पा चप्पा छान मारा, जिसके बाद में पता ये लगा कि ये कॉल किसी एक्स एम्प्लॉय ने करी थी, जिसको फायर कर दिया गया था क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। इस वजह से उसने ये कॉल करके ये पूरा का पूरा हंगामा उठा दिया था। हालांकि बचेगा ये भी नहीं, इसको भी जाना पड़ेगा एक आध हफ्ते या दो हफ्ते महीने जेल तो जाना पड़ेगा। दोस्तों मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अब लड़ाई झगड़ा भी सीख रहे हैं। दरअसल वो जिजुत्सु सीख रहे थे काफी टाइम से, लेकिन अब उन्होंने अपना पहला टूर्नामेंट किया गोरिल्ला जिजुत्सु टीम के बिहाफ पे, जहां पर इनको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला है, जिसके बारे में इन्होंने शेयर भी किया। देखो मैं जीत चुका हूं अपना जिजुत्सु का कॉम्पिटिशन, तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ टेक्नोलॉजी के उसमें ही लगे रहते, थोड़ी सा फिटनेस के उसमें भी लगे रहते हैं जहां पर जीता है, ऐसा नहीं नकली सीख रहे हैं। दोस्तों हमको कहीं भी जाना हो, कितनी ही दूर जगह जाना हो, लेकिन अगर हम ड्राइव करते हुए जा रहे हैं तो गूगल मैप का सहारा ले लेते हैं, जो कि हमको बड़ी आसानी से किसी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर भी जाना होता है। लेकिन कई बार ये ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां पर सोचने भी बैठ जाते हो, ये रास्ता है ही नहीं आगे तो अब कहाँ जाऊँ। वैसा ही हुआ एक महिला के साथ में, जो कि हवाई में ड्राइव करती हुई कार ले गई समुद्र के अंदर, ये सोच के कि यहाँ पर जीपीएस डायरेक्शन बता रहा है तो रोड होगा, ये थोड़ा कमी पानी होगा, इसमें से निकल जाऊंगी मैं, लेकिन उनकी कार पानी के अंदर चली गई।